एक्चुअली हमको पॉलीसिस्टिक ओवरीज थी और 3 महीने में एक बार ही होता था पीरियड्स। तो जब प्राणायाम करना शुरू करा 6 महीने के बाद पीरियड्स रेगुलर हो गए और उसके बाद हमने कंसीव किया। और हमारे जेनेटिक शुगर और डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है फैमिली में, सब मतलब फादर की डेथ बीपी से हुई थी, हार्ट अटैक हुआ था। मम्मी का ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है और बड़े भाई और बहन दोनों बीपी और शुगर की दवाइयां लेते हैं, लेकिन हम दवाई नहीं लेते अभी तक। चलिए बहुत बड़ी बात है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज ठीक है और परिवार में जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी अपने आप को बचा रही है, ये है बड़ी बात। क्या नाम है? प्रीति वेंकटेशन। प्रीति? हाँ जी। प्रीति चेन्नई से? हाँ जी, चेन्नई से आई है। पॉलीसिस्टिक ओवरी का मैंने कई बार उदाहरण दिया है इसका, मैंने सबसे पहला मैंने बोला था, मैंने ये बात कही थी, मैं था उस समय अफ्रीका में, अफ्रीका में क्या है वो नैरोबी में बोला था। और उसके बाद मैंने फिर एक जो है मोनिका शर्मा का उदाहरण दिया था कि वो भी मुझे फ्लाइट में मिल गई, उसको भी जैसे जो है प्रीत को 3-3 महीने दिक्कत होती थी क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरीज होने से पीरियड में दिक्कत आती, उसको 9-9 महीने नहीं होते थे मोनिका शर्मा को। तो ये बहुत बड़ी बात है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, प्रीति उसको ठीक करके आई हुई है। बहुत बहुत आशीर्वाद, और भी बहुत बहन बेटियों को इससे प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।